राम राम जी सारे, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज बनाऊंगी मैं हुडी। यो कपड़ा है, ये बहुत ही गर्म रहो है, यू पैर पाछा तो पसीने छूट जाए सर्दी के मौसम में भी। ये देखो कितना जमानू अच्छा सा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा भीतर था। और ये बन रही है इस पर आइसक्रीम, ये सर्दी का सूट है और आइसक्रीम और सॉफ्टी सी बना रखी इसके ऊपर, और समर्पण भी लिख रखा है। ये इसके ऊपर मिनी माउस बन रहे हैं, यो मन पैर रखा सेम ईसाई है। ये देखो यो भी नीचे तो ईसाई है, बहुत ही गर्म है। और यो भी इसका नाम बेरानी के हुआ है, स्वेटर कह के ना, स्वेटर का कपड़ा कह के दिया था। अरे यो आया था 2 साल पहले लेके आई थी, जब 700 रुपये किलो आया था। ये बेरानी के रेट है इसका। यो 2.25 मीटर कपड़ा है लंबाई में और 1.5 मीटर चौड़ाई में है। इसमें तो हुडी और पजामा दोनों चीज़ पूरा सेट बनाऊंगी कर लूँ मैं। पहले हुडी की कटिंग फिर पजामे की करूँगी। लंबाई है 26 इंच, तीरा 16 इंच, छाती 40 इंच, बाजू 23 इंच। और जो वह कैप सी लग गया करो, हुडी बोलिया करो जिसने, मैं तो टोपा ही कह दिया करूँ हूँ, उसकी लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई 10 इंच। अगे वह कंगारू जेब लगेगी, उसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। इस नाप के अनुसार मैं हुडी की कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो यह कन्नी तैर लूँ, यह टेडी मेडी सी हो रही है, उक्सी उक्सी ही। ये डबल फोल्ड में बिछा लिया, पहले इसने एक सार करूँगी, ये सीधी लाइन खींचूंगी और इसमें काट दूंगी ऊपर तक। हुडी की लंबाई है 26 इंच, 26 इंच पर निशान लगा दिया और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में जाओगा और 2 इंच नीचे फोल्ड होने में जाओगा, तो 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी, तो 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पर निशान लगा दिया लंबाई का। और इसने सीधा मिला दूंगी। छाती है 20 इंच, तो 10.5 इंच ले लिया, 1/2 इंच मार्जिन में चला जाऊंगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखूंगी इसमें, बस सिलाई सिलाई का मार्जिन रखना है। 10.5 इंच या चौड़ाई ले ली। ये भी लगाऊंगी तीरा का निशान, तीरा है 16 इंच, 16 का 1/2 हो गया 8 इंच, 8 इंच पर निशान लगा दिया। आर्म होल भी 8 इंच लूँगी, ये 8 इंच में निशान लगा दिया। आर्म होल की गोलाई दे दी। कमर का निशान है, यू अड़का सा देंगी इसकी, ये सेफ पट्टी रख के ना, ये थोड़ा सा अंदर की साइड करके ना, बस ये इतना रख देंगी, ये कटिंग होगी इस पर। 3 इंच पर लगाऊंगी गला का निशान, 3 इंच तीरे की साइड और 3 इंच ये, और ये गोलाई मिला दूंगी। और 1 इंच ये कटिंग करूंगी, 1 इंच पे ये निशान लगाऊंगी और इसने यूँ मिला दूंगी तीरे का। ये कर दी हुडी की मार्किंग, 3-3 इंच ये ले लिया और 8 इंच तीरा, 8 इंच उरत है आर्म होल है, और इसकी ये गोलाई दे दी 1/2 इंच अंदर की साइड करके ना, और 1/2 इंच उरत है अंदर की साइड निशान लगा दिया, ये सेफ आ जाएगी कमर पर है। और ये कर दूँ मैं इसकी कटिंग, ये एम साइज है। ये होगी हुडी का अगला भाग की कटिंग, पिछला भाग की और कर लो। ये भी करूँगी पिछला भाग की कटिंग, ये अगला भाग पिछला भाग पे बिछा लिया, ये पिछला भाग की मार्किंग करूँगी। 3 इंच गड़ा का निशान लगाऊंगी और 2 इंच ऊपर लेऊंगी ये तीर का, ये अगला भाग तक बढ़ा के लूँगी 2 इंच, ये 2 इंच बढ़ा के ले लिया, निशान लगाऊंगी यो और इसने सीधा मिला दूंगी। और आर्म होल का निशान लगाऊंगी 1/2 इंच बाहर की साइड रख के ना, पिछला भाग का, अगला भाग की कटिंग कर ली थी मैंने, ये निशान लगा दिया। और 1 इंच गड़ा का निशान लगाऊंगी,
और यह गोलाई दे दूंगी और रेड को रहेगा सेम, ये निशान लगा दूंगी। सिर्फ 2 इंच यो बढ़ाना है और आधा इंच यो आर्महोल खातर, ये निशान लगा दिए और 1 इंच पर गला का निशान लगा दिया पीछे की साइड। एक कर दूं मैं इसका ऊपर को कटिंग। ये होगी पिछले हिस्से की कटिंग, यो जुड़ेगा जब नो अगली साइड आ जाएगा, यो अगली साइड आ जाएगा, ये थोड़ा बड़ा है इसकी और कटिंग कर दूं। ये अलका है, ये मिला के देख लेना चाहिए, तो ये गोलाई पर कटिंग कर दूंगी। ये होगी अगला हिस्से की कटिंग हुडी का और ये पिछला हिस्से कटिंग। पहले अब पजामे की कटिंग करूंगी, बाजू और कैप हुडी की कंगारू जेब बाद में निकालूंगी, पहले पजामे की कटिंग कर लूँ। इसमें डबल फोल्ड में बिछा लिया, पैंट कट पजामा बनाऊंगी इसका। पजामे की लंबाई है 38 इंच, ईफ है 36 इंच, कमर 32 इंच, मोरी 9 इंच, इसके अनुसार करूंगी मैं पजामे की कटिंग। पजामे की लंबाई है 38 इंच, 2 इंच ऊपर इलास्टिक खत्तर निशान लगाऊंगी, 2 इंच पर निशान लगा लिया और यह लाइन सीधी मिला दूंगी। और 38 इंच है पजामे की लंबाई, ये रबड़ का मार्जिन छोड़ के ना इस निशान पर है 38 इंच पूरा निशान लगाऊंगी और 2 इंच नीचे मोरी मोड़ूंगी 2 इंच पर। तो ये हो गया ऊपर तक 42 इंच, 42 इंच पर निशान लगाऊंगी। और ये सीधी लाइन खींच दूंगी और 2 इंच ये मोरी मोड़ने खातर यह भी सीधी लाइन खींच दूंगी। इप लाऊंगी, इप का निशान इप है 36 इंच, 36 इंच का चौथा हिस्सा गया 9 इंच, 9 इंच पर निशान लगा दिया और 2 इंच आगे बढ़ा के लूंगी मार्जिन, तो हो गया ये 11 इंच। और 11 इंच पर आसन का निशान लगाऊंगी। ये 11 इंच पर निशान लगा दिया और 2 इंच आसन पता है बढ़ा के लूँगी क्रोच एरिए खातर, ये 2 इंच पर निशान लगा दिया और ये आसन की गोलाई दे दी। ये हो गया इब 11 और 2 13 13 इंच हो गया, 13 इंच का आधा हो गया 6.5, 6.5 पर निशान लगा दिया। ये इलास्टिक का छोड़ के ना 11 इंच पूरा निशान लगा दिया और 11 इंच पर यह आसन का 11 11 बाई 11 का बॉक्स बना लिया और ये 2 इंच बढ़ा के ले लिया तो हो गया 13 इंच, 13 इंच का आधा हो गया 6.5 इंच, 6.5 इंच पर निशान लगा दिया और 6.5 इंच पर नीचे निशान लगाऊंगी, 6.5 इंच पर निशान लगा दिया और इस निशान ने इस निशान ने आपस में मिला देंगे। इस निशान पर है मोरी का निशान लगाऊंगी, इस निशान पर है 4.5 इंच पुराना निशान लगाऊंगी, 9 इंच है मोरी और 4.5 इंच उरली साइड और 0.5 इंच लूंगी मार्जिन का, तो 5 5 इंच हो गया, 5 इंच पुराना ला दिया और 5 इंच उरली साइड और सेफ पट्टी तक ये निशान मिला दूंगी। ये इस निशान पर है ये क्रोच का 2 इंच बढ़ा के लाया था एडत है और ये 5 इंच का निशान लगाया है एड अलग मिला दूंगी। और न्यूए हुरान मिला दूंगी इस निशान पर है 5 इंच अड़ निशान पर। और
और यह ऐड कर हल्की सी गोलाई दे दूंगी। ये आधा इंच कटिंग कर दूंगी, ऐड कर ऐड लग ये विस्प को कटिंग कर दूंगी। ये होगी पजामा का अगला हिस्से की कटिंग, ये पिछला हिस्से की और करूँगी। इस कपड़ा ने फोल्ड करूँगी, ये अगला हिस्सा बिछा लिया, ये पिछला हिस्से की और कटिंग करूँगी। ये ऊपर तक 2 इंच ले लिया बढ़ा के ना, ये पिछला हिस्सा था ऊपर की साइड 2 इंच बढ़ा लिया और ढाई ढाई इंच इस साइड बढ़ाऊँगी। ढाई ढाई इंच पर निशान लगा दूंगी दूर की दूर। ये नीचे तक ढाई इंच पर निशान लगा दिए और ये इसने सेब पट्टी की मदद से ये मिला दूंगी। पहले मैंने पजामे की मोरी रख रखी थी 9 इंच, ये भी इस यो 2.5 इंच लेने की वजह से ज़्यादा होगी। आपने कम करनी हो तो इसमें कम कर सको पहले, या इसने ऐड तक 2.5 इंच लेके ना इसने ऐड तक सीधा मिला सको ऐड तक। मेरे पजामे की मोरी होगी 10 साढ़े 10 इंच का नेड़ हो जाएगी, इसका कारण है ज़्यादा होगी, ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आपने कम रखनी हो तो इसमें पहले कम रख सको हो, ये तो अपने अनुसार रख सका है मोरी तो कम या ज़्यादा। इस साइड 2.5 इंच बढ़ाया है, इस साइड सेम रहेगा, ये दोरे दोरे निशान लगा दूंगी और ऊपर तक ये तिरछा मिला दूंगी। इस कोना पता है इस कोना पर ये तिरछा निशान मिला दूंगी। ये इतना एक्स्ट्रा लेना था, इसकी फिटिंग अच्छी आओगी। ये आगे का हिस्सा तो कम हो गया और पीछे का यू 2 इंच फालतू, आसन की सेफ अच्छी आओगी। ये कर ली मैं इसकी कटिंग, ये कर ली इसकी कटिंग, इस कोना पर तक, इस कोना पर तक कटिंग कर दी और ये होगी बैक साइड की भी कटिंग। ये साइड का रह गया, ये और कटिंग कर दी। ये आगे का हिस्सा हो गया और यो पीछे का, ये हो गए पेंट कट पजामे की कटिंग। ये जेंट्स की भी इसे त्रिया होगी और लेडीज में भी, कोई भी बना सका इसमें। ये गुगलू मुगलू में ये पजामा और उड्डी काढ़ा बच है, इतना कपड़ा बच गया। उड्डी की कैप काटनी है और आगे कंगारू जेब लागेगी वह और बाजू, ये बाजू निकालूंगी पहले। ये डबल फोल्ड में कर लिया, बाजू है 23 इंच तैयार, तो यो बच गया 21.5 इंच, तो इसका 2 इंच की पट्टी चढ़ानी पड़ेगी, भितरली साइड मोड़ दूंगी। तो ये 21.5 इंच होगी, इसने ये डबल में है, इसने इब 4 फोल्ड कर लूँगी। इब करूँगी ये बाजू की कटिंग, ये ऐड तो लूँगी चौड़ाई लूँगी 9 इंच, ये 9 इंच पर निशान लगा दिया और 4 इंच पर ये निशान लगाऊँगी आर्म होल की गोलाई देने खातर। ये दे दी आर्म होल की गोलाई और ये अगली साइड की, और मोरी रखूंगी 4 इंच तैयार। ये 4 इंच पर निशान लगा दिया, 1 इंच मार्जिन का रखूंगी तो 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये 5 इंच पर निशान लगा दिया, इन्हें सेब पट्टी की मदद से यूं मिला दूंगी। ये कटिंग का निशान हो गया और ये फिटिंग का, कर लूँ मैं बाजू की कटिंग। और ये 2 पल्ले उठाऊंगी, आगे की साइड की भी कर दूंगी कटिंग, और इसका 2 इंच की पट्टी चढ़ा दूंगी। ये दोनों बाजुआ का लग जाएगी, ये अंदर की साइड मुड़ जाएगी जोड़ लायक के ना। ये होगी 23.5 इंच की। ये करूंगी मैं उड्डी की कटिंग, जो ये टोपा हुआ है ये उड्डी की कटिंग करूंगी। लंबाई में ले लिया 15 इंच और चौड़ाई में ले लिया 11 इंच।
1.5 इंच 94 चलिया जाओगा, मोड़ूंगी इस नाग गए और आधा इंच 94 सिलाई में, तो 9 इंच बच जाएगा चौड़ाई में और 14 इंच लंबाई में। ये करूंगी इसकी मार्किंग, नीचे तो 2 इंच लूंगी, ये निचली साइड है, ये 2 इंच पर निशान लगा दिया और इसने सेब पट्टी की मदद से ये सेब पट्टी यूँ रखूंगी और इसका यूँ निशान लगा दूंगी, ये कटिंग होगी इसकी। 3.5 इंच उरा लूंगी और 3.5 इंच उरा इसकी गोलाई दे दूंगी। ये गोलाई दे दी, ये ऊपरली साइड है और थोड़ा सा उरा तक गोलाई दूंगी और इसकी कटिंग कर दो। ये पीछे की साइड आ जाएगा और ये आगे की साइड, ये इतना इतना मुड़ जाएगा आगे तक। ये उड्डी की कटिंग होगी, ये रहेगी कंगारू जेब, इस कपड़े में तो काटूंगी कंगारू जेब। 10 इंच तो लंबाई में ले लिया और ये 7.5 है, 15 इंच चौड़ाई में ले लिया और 10 इंच लंबाई में। 1 इंच पे पूरे निशान लगाऊंगी और 4 इंच पे पूरे इसने ऐड था और ये 1 इंच पे मिला दूंगी, ये मिला दिया और ऊपर वाली साइड तक 2 इंच, ये 2 इंच पर निशान लगा दिया इस साइड, इस पर तो इस पर मिला दूंगी और ये इसकी कटिंग कर दूंगी। यह होगी कंगारू जेब की कटिंग, ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है, ये इसका न्यू लगेगी, आधा आधा इंच मुड़ जाएगी चुगर दत है। हुडी की कटिंग होगी और ये होगी पजामा की कटिंग, 2.25 मीटर तो लंबाई थी और 1.5 मीटर चौड़ाई, उसमें है या हुडी लिखड़े आई और ये पजामा लिखड़े आया, ये रहेगी पजामे की जेब, जेब की कटिंग और कर लियो पजामे की। ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है, ये पजामे खातर पॉकेट काटूंगी, 13 इंच लंबाई ले ली और नीचे तो ले ली 7 इंच, आधा आधा इंच मार्जिन में चला जाओगा तो 6 इंच बच जाएगी, और अन्ना तो ले ली 6 इंच और यह उरत है या सेफ दे दी। और यह होगी पॉकेट, इसकी कटिंग कर ली मैं। 1 पॉकेट और इसी और काट लूंगी सेम, इसका ऊपर धर के ना हुडी की और पजामे की कटिंग कर दी। ये उड्डी का अगला पिछला पार्ट हो गया, ये दन्नू बाजू होगी, ये जो टोपी लागेगी वह होगी कैप उड्डी का अगला जिसने, और यह कंगारू जेब है, ये तो उड्डी होगी और ये पजामा हो गया, ये 2 पार्ट ये हैं, 2 ये हैं और ये जेब। ये स्टिचिंग मिलेगी अगला पार्ट में।